हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जो कि प्रेशर कुकर में बनाएंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो रेड गाजर। ये पील करके धो के मैंने रखा हुआ है। उसको आप ऐसे राउंड पीसेस में कट कर सकते हैं। कट करके हम इसे क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में बॉईल कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अमूल का घी जो है मैं ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। और उसमें हम गाजर जो है हमारा सब डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक स्टेयर कर लेंगे, तो हमारा घी जो है गाजर में घुल जाएगा। एंड उसके बाद हम इसे सीटी लगा लेंगे, तो ये अपने आप ये बॉयल हो जाएगा, इससे कोई पानी वानी नहीं निकलेगा। डोंट वरी, ये कुकर में आपका नहीं लगेगा। तो जब तक ये हमारा गाजर बॉयल होता है, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर देते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून घी, और आपका मनपसंद का आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने काजू एंड आलमंड्स लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, ये फ्राई हो चुका है। तो अभी हम ये कुकर ओपन करके देख लेते हैं, ये जो गाजर है ये अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स। तो हम इसे अभी क्या करेंगे, एक प्लेट में निकालेंगे एंड उसे हम क्या करेंगे, मैश करेंगे। तो आप मैशर की मदद से इसे मैश कर सकते हैं, ऐसा वाला जो मैशर है, मैं इसमें मैश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैश हो रहा है, देख लीजिए ये जो है पूरी तरीके से मैश हो गया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऐसे वाला मैशर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे स्पैटुला ले सकते हैं जिसका बैक साइड जो है ऐसे राउंड हो, एंड इसे ऐसे मैश कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से घी लेंगे 1 टेबल स्पून, एंड उसमें क्या करेंगे हम 2 तेज पत्ते डाल देंगे, एंड जो ग्रीन वाली इलायची है इसमें से 2 लेके हम डाल देंगे। तो ये जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है, हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा जो मैश्ड गाजर है ये हम डाल देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे चलाते जाएंगे। सो स्टेयर कर लीजिए इसे 2 से 3 मिनट तक, तो हमारा जो घी है ये गाजर में पूरा घुल जाएगा। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम दूध डाल देंगे। तो आधा किलो गाजर के लिए आधा लीटर दूध डाल देंगे, और इसे 20 मिनट तक हाई फ्लेम में स्टेयर करेंगे। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो दूध है वो गाजर में धीरे धीरे से घुल रहा है। तो आप इसे चलाते जाइए हर 2 मिनट में एक एक बार, और ये देख लीजिए ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गया है, और ये जो हमारा दूध है पूरा ऑलमोस्ट घुल गया है हमारे गाजर के साथ। तो इसी टाइम में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अमूल का जो घी है और 2 टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ, तो जो हमारा टेस्ट है हलवा का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए घी तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अमूल का घी जो है वो बहुत ही प्योर और अच्छा होता है, लो फैट होता है फ्रेंड्स। तो आप इसे अपने डाइट में रोज़ ऐड कर लीजिए। और इसी टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, ये जो अमूल की मिठाई मेट है छोटा वाला पैक में इस डाल रही हूँ। मुझे कम मीठा चाहिए इसके लिए मैं एक ही डब्बा डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ये जो मिठाई मेट है इसका और एक डब्बा भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप आधा कटोरी चीनी भी डाल सकते हैं। तो हमारा जो मिठाई मेट है इसे 2 से 3 मिनट आप चला लीजिए, फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, और ये हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स।